नमस्कार मित्रों मित्रों, कर्म का फल हर किसी को भोगना पड़ता है। भीष्म पितामह रणभूमि में सर सैया पर पड़े थे। हल्का सा भी हिलते थे तो शरीर में घुसे बाण भारी वेदना के साथ रक्त की पिचकारी सी छोड़ देते थे। ऐसी दशा में उनसे मिलने सभी आ जा रहे थे। श्री कृष्ण भी दर्शनार्थ आए। उनको देखकर भीष्म जोर से हंसे और कहा, आइए जगन्नाथ, आप तो सर्व ज्ञाता हैं, सब जानते हैं। बताइए, मैंने ऐसा क्या पाप किया था जिसका दंड इतना भयावह मिला? भगवान कृष्ण बोले, पितामह, आपके पास वह शक्ति है जिससे आप अपने पूर्व जन्म देख सकते हैं। आप स्वयं ही देख लेते। भीष्म, देवकी नंदन, मैं यहाँ अकेला पड़ा और कर ही क्या रहा हूँ। मैंने सब देख लिया। अभी तक 100 जन्म देख चुका हूँ। मैंने उन 100 जन्मों में एक भी ऐसा कार्य नहीं किया जिसका परिणाम ये हो कि मेरा पूरा शरीर विंध्या पड़ा है। हर आने वाला क्षण और पीड़ा लेकर आता है। कृष्ण, पितामह, आप एक भव और पीछे जाएं, आपको उत्तर मिल जाएगा। भीष्म ने ध्यान लगाया और देखा कि 101 भव पूर्व वो एक नगर के राजा थे। एक मार्ग से अपने सैनिकों की एक टुकड़ी के साथ कहीं जा रहे थे। एक सैनिक दौड़ता हुआ आया और बोला, राजन, मार्ग में एक सर्प पड़ा है। यदि हमारी टुकड़ी उसके ऊपर से गुजरी तो वह मर जाएगा। भीष्म ने कहा, एक काम करो, उसे किसी लकड़ी में लपेटकर झाड़ियों में फेंक दो। सैनिक ने वैसा ही किया। उस सर्प को एक बाण की नोक पर उठाकर झाड़ियों में फेंक दिया। दुर्भाग्य से झाड़ी कटीली थी, सांप उसमें फंस गया। जितना प्रयास उनसे निकलने को करता और अधिक फंस जाता। कांटे उसकी देह में गड़ गए, खून रिसने लगा, जिससे झाड़ियों में मौजूद कीड़े चीटियां रक्त चूसने लग गईं। धीरे धीरे वह मृत्यु के मुंह में जाने लगा। 5-6 दिन की तड़प के बाद उसके प्राण निकल पाए। भीष्म, हे त्रिलोकी नाथ, आप जानते हैं कि मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, अपितु मेरा उद्देश्य उस सर्प की रक्षा था, तब ये परिणाम क्यों? कृष्ण, तात्सरी, हम जानबूझकर क्रिया करें या अनजाने में, किंतु क्रिया तो हुई ना, उसके प्राण तो गए ना। ये विधि का विधान है कि जो क्रिया हम करते हैं उसका फल भोगना ही पड़ता है। आपका पुण्य इतना प्रबल था कि 101 भव उस पाप फल को उदित होने में लग गए, किंतु अंततः वह हुआ। जिस जीव को लोग जानबूझकर मार रहे हैं, उसने जितनी पीड़ा सहन की, वह उस जीव को इसी जन्म अथवा अन्य किसी जन्म में अवश्य भोगनी होगी। ये बकरे, मुर्गे, भैंसे, गाय, ऊंट आदि वही जीव हैं जो ऐसा विभत्स कार्य पूर्व जन्म में करके आए हैं और इसी कारण पशु बनकर यातना झेल रहे हैं। अतः हर दैनिक क्रिया सावधानी पूर्वक करें। कर्मों का फल तो झेलना ही पड़ेगा, ये तो तय है। तो मित्रों, ये कथा आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइए। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर एक और नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।